तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये सफाई का कार्यक्रम दिल्ली के धीरपुर वार्ड के गांधी विहार ए ब्लॉक का है, जहां धीरपुर वार्ड 14 की निगम पार्षद नेहा अग्रवाल के नेतृत्व में क्षेत्र में एक विशाल एवं व्यापक सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में एमसीडी के सफाई विभाग, उद्यान विभाग, मलेरिया विभाग, इंजीनियरिंग वर्कर्स विभाग इत्यादि से संबंधित अधिकारी और स्टाफ भी शामिल रहे। इसका सर्वेक्षण करने के लिए खुद वार्ड की पार्षद नेहा अग्रवाल और पार्षद पति पैरामेडिकल चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल भी मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने पार्षदा और चेयरमैन के सामने अपनी परेशानी भी रखी। इस व्यापक सफाई अभियान के समर्थन में इलाके के लोगों ने नेहा अग्रवाल और प्रदीप अग्रवाल जिंदाबाद के नारे भी लगाए। साफ सफाई, जैसे कि आपको पता है, बहुत जरूरी है हर जगह के लिए। पूरी दिल्ली क्या पूरे देश के लिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। अगर साफ रहेगा तो बीमारियां भी कम फैलेंगी। तो साफ सफाई इसे क्या है, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि कूड़ा इधर उधर ना फेंकें। देखिए, ये ड्राइव पूरा एक महीना चलेगी। जैसे कि आपको पता ही है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा ये एमसीडी का जो विजन है क्लीन करने का, दिल्ली की साफ सफाई का, उनका बहुत अच्छा विजन है। इसमें बहुत पूरी दिल्ली को साफ किया जाएगा। अब ये हर डे पर डे हर डे के हिसाब से अलग अलग ब्लॉक में साफ सफाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के आदेश के अनुसार और हमारी माननीय मेयर साहिबा श्रीमती शैली ओबराय जी के आदेश पर आज यहीं इसी वार्ड में नहीं, पूरी दिल्ली में हर वार्ड में सफाई अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान एक महीने तक चलेगा। इसमें हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो एमसीडी की 311 ऐप है उसको डाउनलोड करें और जो भी सफाई से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट है वो उसमें डालें, फ़ोटो खींच के लोकेशन डाल के, और जो उस एरिया के जो कंसर्न सफाई अधिकारी होंगे वो उस पर उसी टाइम एक्शन लेंगे। इसके अलावा भी उस 311 ऐप में और भी कई तरह की सुविधाएं हैं, जैसे किसी को मलबा उठवाना है, किसी को डॉग या गाय की कोई प्रॉब्लम है या और भी नाली की सफाई की कोई दिक्कत है, उस सब तरह की समस्याओं के लिए उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग आज यहाँ गांधी विहार में ए ब्लॉक से हमने शुरुआत करी है। आज हमने ए ब्लॉक में अपने एमसीडी के सभी अधिकारी और साथ में डीएमएस डब्ल्यूएसएल के भी लोग हमारे साथ हैं। एमसीडी में उद्यान विभाग के लोग, सैनिटरी विभाग के लोग, इंजीनियरिंग वर्क्स डिपार्टमेंट के लोग, मलेरिया डिपार्टमेंट के लोग और उनके अधिकारी हमारे साथ हैं। हम लोग यहाँ पर बहुत ही माइक्रो राउंड यहाँ पर हमने उनके साथ लिया और जो भी समस्या यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, आरडब्ल्यू के द्वारा और जो भी यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने जो बताई, हमने उनको चिन्हित किया और उससे संबंधित दिशा निर्देश आज इन अधिकारियों को दिए हैं। और आशा है कि गांधी विहार की जो समस्या है, सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पे इंक्रोचमेंट की है। लोगों ने अपने मकान के आगे चार चार पाँच पाँच फुट के जो रैंप्स बना रखे हैं या जो सीढ़ियाँ बना रखी हैं उससे सारी नालियाँ कवर हो चुकी हैं, तो नालियों की सफाई करने की ही जगह नहीं है। फिर भी हमने अधिकारियों को कहा है कि लोगों को परेशानी भी ना हो और उनकी सफाई का काम भी हो जाए, तो हम इसी दिशा में कदम उठाते हुए ये सफाई अभियान हमारा पूरे महीने चलेगा। सफाई के व्यापक कार्यक्रम के बाद गांधी विहार के निगम प्राथमिक विद्यालय में वृक्षारोपण भी किया गया, साथ ही लोगों को प्लास्टिक यूज न करने को लेकर प्रेरित भी किया गया और महिलाओं को कपड़े के बैग बांटे गए। अब सफाई हो जाएगी, बहुत सतपुर है और हमारे ये अग्रवाल जी और नेहा जी ये साथ दे देते हैं, एक आवाज़ पे ये आ जाते हैं और हमारी कंप्लेंट शुरू हो जाती है। और नेहा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, समय समय पर यहाँ पे आती है और गांधी विहार का जायजा लेती है। और सफाई की जो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं वो कंप्लेंट गलत है। जैसे मैम और सर स्ट्रगल कर रहे हैं गांधी विहार को साफ करने में और हर तरह की हम अपना योगदान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि होगा, सफाई का प्रबंध होगा। सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने आज स्वच्छता का और सफाई का जो कार्यक्रम रखा है और गांधी विहार से रखा है। और खुद नेहा जी भी और हमारे पैरामेडिकल बोर्ड के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल जी खुद अपने गलियों में चल करके एक एक चीज़ों का मुआयना किया है और उन्होंने बोला है कि भरसक जो भी होगा हम ये पूरी स्वच्छता जो है जितना हो सकेगा करवाएंगे। और यहाँ के स्थानीय लोग भी, काफ़ी लोगों ने इनसे शिकायतें भी की, इनका स्वागत भी किया है कि ये प्रॉब्लम है, ये शिकायतें इन्होंने बहुत गौर से सुना है नेहा जी ने भी, और इन्होंने बोला है कि जितना जल्द हो हम सारी शिकायतों को निपटाएंगे।
आपको बता दें कि इस अभियान में सभी RWO के पदाधिकारी, सभी सम्मानित नागरिक व आदर्श नगर विधानसभा एवं वार्ड 14 धीरपुर के आम आदमी पार्टी के सभी सदस्यों ने अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नेपाल भारद्वाज, क्विक न्यूज़।